गोबरघोरा पेट्रोल पंप पर लूट का प्रयास करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। अपराधियों की गैंग से जुड़े होने के बारे में इनका कनेक्शन को पुलिस खंगाल रही है। दीपिका पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोबरघोरा इलाके में 2 दिन पहले लूट के प्रयास की घटना को बाइक सवार लोगों ने अंजाम दिया था। 200 रुपए का पेट्रोल लेने के बाद आरोपियों ने हथियार दिखाकर कर्मचारी का बैग लूटने का प्रयास किया था और फायरिंग कर भाग गए थे। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने मीडिया को बताते हुए जांच पड़ताल के दौरान काफी जानकारी मिली थी। इस आधार पर लोकनाथ, विक्रम और विपिन को गिरफ्तार किया गया। यह तीनों दीपिका में रहकर काम करते थे और रहने वाले मूलतः बिहार के हैं। पता चला कि डरा धमका कर लूटपाट करना इनकी आदत में शुभार है। पुलिस इस बात का पता कर रही है कि पकड़े गए आरोपी किसी संगठित गिरोह से जुड़े हुए हैं या नहीं। आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड ज्ञात करने के लिए बिहार पुलिस से संपर्क किया जा रहा है। अब तक की जांच में यह बात भी सामने आई है कि पाली पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत जेमरा गांव में इन लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ पुलिस की टीम ने अपनी कार्य कुशलता भी दिखाई है। इस मामले में पुलिस टीम को स्थानीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। दीपिका क्षेत्र में 31 तारीख को एक लूट की घटना हुई थी, उसमें हमारी दीपिका पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। घटना के समय लगभग 3 बजे से 2:30 बजे के बीच में पेट्रोल पंप है, उस दीपिका थाना क्षेत्र में गोबरघोरा एक पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप में 2 आदमी आए और उन्होंने 200 रुपये की पेट्रोल भराने मतलब उन्होंने भराया और वहाँ पर जो सेल्समैन था उसके बैग को उन्होंने छीनने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे सेल्समैन ने आवाज़ लगाया, बाकी साथी आए और गाड़ी को पकड़ने लगे, लेकिन उस समय जो पीछे बैठा हुआ आदमी था उसने सेल्समैन पर फायरिंग कर दी। सेल्समैन को गोली नहीं लगी, लेकिन पास में मतलब रखा हुआ प्लास्टिक की टैंक थी उसको लगा और सेल्समैन को किसी प्रकार से वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर हम लोग घटनास्थल पर पहुँचे। घटनास्थल पर जाने के बाद हम लोगों को पूरी घटना के बारे में सीसीटीवी फुटेज से पता चला। फिर हम लोगों ने अपनी टीम बनाई और बाकी सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने खंगाले साइबर के माध्यम से हम लोगों को और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हम लोगों को इसके बारे में पूरा पता चला कि 2 पर्सन वहाँ पर आए थे और उन लोगों के जैसे ही फेस के बारे में पता चला तो हम लोगों ने अपनी बेसिक पुलिसिंग के द्वारा उनके बारे में हम लोगों ने पूछताछ करना शुरू किया तो पता चला कि दोनों जो लूट की घटना को करने के लिए आए हुए थे, जिनका नाम है विक्रम है और लोकनाथ, ये विक्रम और लोकनाथ दीपिका क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। इन्होंने अपने एक दोस्त है विपिन है उसके साथ मिल करके बिहार में जा करके उन्होंने पिस्टल खरीदा था। ये इस पिस्टल को दिखा करके लूट की घटना को करने के मतलब फिराक में थे। वहाँ पर पूछताछ करने के दौरान इन्होंने पता चला कि चूंकि पेट्रोल पंप में दोपहर का जो टाइम होता है थोड़ा कम भीड़ भाड़ रहता है और पेट्रोल पंप में जो सेल्समैन के बैग में पैसे होते हैं उसी को छीनने के लिए उन्होंने इस तरीके से प्लान बनाया था। लेकिन हम लोगों की पूरी टीम ने वहाँ पर कार्य किया और तीनों लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के साथ हम लोगों को पिस्टल और उसके साथ में हम लोगों को बुलेट भी मिल गए। इनसे पूछताछ के दौरान हम लोगों को पता चला कि इनका जो मतलब इनका काम करने का तरीका जो है क्राइम करने का, कि हथियार को दिखाना, तुरंत लूट करना और वहाँ से भाग जाना। इनसे पूछताछ करने के बाद पता चला कि अभी कुछ दिनों पहले पाली थाना क्षेत्र में जिमराह के हनुमान मंदिर जी के सामने में एक महिला से मोबाइल और 5 रुपये की एक लूट की घटना हुई थी। वहाँ पर लूट की घटना हुई थी तो पूछताछ से पता चला कि घटना में ये दोनों व्यक्ति लोकनाथ और विक्रम देव वहाँ पर शामिल थे। इस प्रकार पाली का जो लूट की घटना थी वो भी यहाँ पर क्लियर हो गया। चूँकि इसमें से ये लोग मतलब बेसिकली चूँकि दीपिका क्षेत्र में वहाँ पर काम करने के लिए आए हैं और ये लोग बिहार से संबंधित हैं तो हम लोग इसमें और भी इस बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि अभी हम लोगों को इनसे पूछताछ की इतना जानकारी मिला है, इनके हो सकता है कि बाकी जिलों में इनके पास पिस्टल था तो बाकी जिलों में जाकर के किसी प्रकार का क्राइम किए होंगे तो संबंध में भी हम लोग बाकी जिलों को पत्र भेज रहे हैं और बिहार पुलिस से भी अगर इनके संबंध में कोई क्राइम होगा तो पता करके उसको भी एक्ट करेंगे।